संपर्क जो है वो एक तरीके से ये समझ लो कि एक रिलेशन में बदल जाएगा। ये भाई हमें हमारी जब पहली बार मुलाकात हुई उसके बाद से लेके आज तक हमारी दोस्ती जो है
वो एक मिसाल बन के रह गई है। और मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ मेरे भाई को दिन दोगुनी रात चौगुनी इनको तरक्की दे। और ये आई गेस पिछली बार मैं चूक गया था तो इस बार हमें आना ही पड़ा। और सच्चाई है कि दिल से इस इंसान के लिए दुआएं निकलती हैं। ये इज़ अ ग्रेट 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 ह्यूमन बीइंग। और ये बहुत अच्छे भाई हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे इंशाल्लाह फ्यूचर में पिता बनेंगे और बहुत अच्छे बेटे हैं, बहुत अच्छे पड़ोसी हैं, बहुत अच्छे केयरिंग पर्सन हैं। तो इनमें सारे जो एक अच्छे इंसान में जो गुण होते हैं वो मेरे अर्जुन भाई में हैं। इसलिए मैं इनको बाबू अली कहता हूँ। ये हमारे बाहुबली भी हैं और बाबू अली भी हैं। और दिल से इनके लिए दुआएं हैं। और फिर से अल्लाह से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितनी भी मुश्किलें हैं इनकी वो आसानी से हल हो जाए और तरक्की की सारी सीढ़ियाँ मेरे भाई धड़ा धड़ धड़ा धड़ चढ़े। थैंक यू सो मच। अर्जुन जी क्या कुछ कहना चाहेंगे इस जन्मदिन के अवसर पर और क्या कुछ कमाल होने वाला है? ये क्या कहेंगे, हम कहेंगे इनको सिर्फ केक काटने दो। बिकॉज देखिए असल बात ये है कि आज चलो ठीक है, ये तो मेरी शुरुआत हुई है कि आप लोगों ने इंटरव्यू लेना शुरू किया, लेकिन असल बात ये है आप ऊपर जाएंगे देर आर लॉट ऑफ पीपल जो कि इंडस्ट्री के टॉप लोगों में से हैं। और आज जैसे कि आप देखेंगे बहुत सारी बाइक जो लोगों की आएगी तो ये इनका प्यार है, इनके जो ताल्लुकात हैं लोगों से वो इतने खूबसूरत हैं कि लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला है इनके लिए। चलो ठीक है मैं तो घर का हूँ, लेकिन बहुत दूर दूर से कई सेलिब्रिटीज़ आए हैं, बहुत दूर दूर से कई जो है इंडस्ट्रियलिस्ट जो इनके दोस्त हैं, बहुत सारे लोग आए हैं जो इनको जानने वाले, इनको प्यार करने वाले हैं। तो ये एक आम बात नहीं है, ये ख़ास बात है कि किसी बंदे के लिए इतनी दूर से अपने आप को उसके लिए पेश करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरे भाई के लिए मैं दुआएं करता हूं और बाकी आने वाले भी दिल से दुआएं देंगे। अर्जुन भाई आप कुछ कहना चाहोगे? मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा कि जैसी इनकी खूबसूरत आवाज़ है किंगो वैसे ही ये जो डायलॉग इन्होंने बोला, हम लोग जब जिम में साथ वर्कआउट करते हैं तो ये आके सबसे पहले यही बोलते हैं किंगो। और हम लोग इतनी मस्ती करते हैं जिम में कि एक्सरसाइज कम मस्ती ज़्यादा होती है, इसलिए इनके डोले बन गए और हमारे डोले रह गए। और ये उतने ही खूबसूरत आवाज़ के साथ ये खूबसूरत इंसान है, खूबसूरत इनका दिल है। और मतलब जितनी भी तारीफ करूँ इनकी कम है। थैंक यू सो मच। ये आज सिर्फ तारीफ अर्जुन की होगी क्योंकि मेरा अर्जुन आ गया है और करण भाई ऊपर से आ रहे हैं। सो ऑल द बेस्ट और दिल से दुआएं हैं। जोक्स अपार्ट, एक अच्छे इंसान से मिलने के बाद बहुत सारी अच्छाइयाँ आप जज्ब करते हैं, अपने आप अंदर लेते हैं। उन लोगों में से एक अर्जुन है। तो मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह इनको बहुत बहुत बहुत, ही इज़ वेरी काम, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट और ही इज़ बाहुबली। माय ब्रदर। लेकिन मैं एक बात ज़रूर इनके लिए बोलूँगा कि ये दिलों को जीत लेते हैं। अरे जिस तरीके से बात करते हैं, दोस्ती यारी निभाते हैं, कमाल है। और मैं खुदा से दुआ करता हूँ उनकी सारी परेशानियां चुटकी में ख़त्म हो जाए। डिटो डिटो। ऐसे ऐसे खुदा ऐसे बंदे और बनाए इस संसार में, बहुत सारे बंदे इनके जैसे बनाए तो बहुत सारी खुशियां इस संसार में होंगी। थैंक यू सो मच। और कुछ? हाँ कुछ, दो लाइन अगर हो जाए इस अटूट बंधन दोस्ती को, दोस्ती के ऊपर अगर दो लाइन हो जाए। ओके ठीक है, ये तो बनता है क्योंकि मेरा जो काम है। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार आना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार का यार कहा। थैंक यू सो मच। भाई अर्जुन का जन्मदिन है और ये हमारे सबसे प्रिय छोटे भाई हैं अर्जुन यादव। और इनके जन्मदिन पे मैं क्या कहूँ, यही कहूँगा कि तुम जियो हजारों साल और साल के दिन हो 50,000। क्या हुआ? बहुत सारी शुभकामनाएं छोटे भाई को और बहुत स्नेह और बहुत सारा आशीर्वाद। मैं कहना चाहूँगा ये मेरे बड़े भाई हैं सर्वप्रथम और मेरे गुरु हैं। और आज जो आप मेरे फिटनेस का
जो मतलब फिट देख रहे हैं वो इनकी बदौलत है, और बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो आप देखते हैं उनकी फिटनेस के पीछे सोनू भैया का हाथ है। सारे मेल फीमेल या मेल कोई भी सेलिब्रिटी हो, सोनू भैया ने तमाम सेलिब्रिटीज़ को ट्रेन किया और उनकी फिटनेस बरकरार है। और ये यहाँ आए, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वक्त निकाल कर आए और मेरे बर्थडे में शरीक हुए, और ये बहुत ही अच्छे इंसान हैं और मुझे हर चीज़ में हर जगह मुझे गाइड करते रहते हैं कि ऐसे करना है वैसे करना है। तो मैं मतलब एकदम बड़े भाई हैं मेरे। थैंक यू सो मच आप यहाँ आए। थैंक यू, थैंक यू, नमस्कार, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लगा इनके बर्थडे पार्टी में आके, और उन्होंने बहुत ही अमेजिंग बर्थडे पार्टी थी, हमने खुद एंजॉय किया। एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड ग्रेट सक्सेस इन योर लाइफ, एंड आई विश यू बिकम द फ्यूचर स्टार ऑफ बॉलीवुड। थैंक यू सो मच। इससे ज़्यादा हम क्या दे सकते हैं आपके बर्थडे पे साइड्स बर्थडे विशेस? मैं बिल्कुल कहूँगा ये बहुत ही अच्छी इंसान है और ये मेरे बर्थडे में आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं भी दुआ करता हूँ कि इनकी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो और कोई परेशानी इनके पास भटके भी नहीं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी इंसान है और अपना वक्त निकाल कर मेरे बर्थडे पार्टी में आई हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। मेरे दोस्त अर्जुन यादव जी का बर्थडे है, पहले मैं तहे दिल से उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे बर्थडे में इनवाइट किया, और मैं विश करता हूँ उनको मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। बहुत अच्छे इंसान हैं, उनको मिलके मुझे अच्छा लगता है, अच्छा फील आता है। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। अजय जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं और बहुत ही दिल के खुश मिजाज इंसान हैं, और आप देख सकते हैं कि अलग ही अंदाज है उनका, और आप समय निकाल कर मेरे बर्थडे में आए, इसके लिए तहे दिल से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अगेन मैंने मैंने हैप्पी रिटर्न सब कर दिया। थैंक यू, थैंक यू सो मच। चलो ओके, बाय बाय। डायरेक्ट डायरेक्ट विश कर हम सुनील भाई। हां चलो, आज हम बर्थडे बॉय को विश करने आए हैं। आप जियो हजारों साल, यही तहे दिल से दुआ दे रहे हैं अरविंदर जी, राज भाई और सुनील पाल। क्या बात, रहना हमेशा खुशहाल, मुंबई रहो, ये रहो रहने ताल। वाह वाह, क्या बात, बहुत अच्छी बात बोली। अर्जुन मेरे बहुत प्राय दोस्त हैं और हम भोपाल से एक दूसरे को जानते हैं, और आई विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। और बहुत ही मेरे बड़े क्लोज दोस्त हैं और यहाँ हम सब उनका ये बर्थडे सेलिब्रेशन में आए हुए हैं, और बहुत मज़ा आया। एंड विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे अर्जुन। राज बहुत ही अच्छे इंसान हैं, मेरे दोस्त हैं, हम बहुत पुराने दोस्त हैं, और बड़ी खुशी मुझे हो रही है क्योंकि अभी हालिया में रिलीज हुई है, आप सब ने देखी होगी, और जिसने नहीं देखी वो देख के आइए, ड्रीम गर्ल, जो कि 100 करोड़ से ऊपर निकल चुकी है। वेरी वेल डन राज, धमाल कर दिया है आपकी फिल्म ने, और डायरेक्शन में और लिखावट में तो इनका जवाब ही नहीं है। सारे कॉमेडी सर्कस से लेकर लाफ्टर चैलेंज, ये वो सब इन्होंने लिखा है। बहुत ही हार्ड वर्किंग है, बहुत ही मेहनती हैं, और समय निकाल कर आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और मेरे हिसाब से ये डबल सेलिब्रेशन है, राज जी की पिक्चर ड्रीम गर्ल जो मतलब 100 करोड़ हो चुके, 150 और 200 के करीब जाने वाले हैं, और वैसे मेरे दोस्त अर्जुन जिनका 20वां बर्थडे है। 20वां बर्थडे निकाल दें, सरकार ठट्टी निकाल देते। और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है राज साहब, सुनील जी, हम सब दोस्त मिलके बहुत इन्जॉय करें, और मैं दिल से दुआ करता हूँ कि आप और लंबे हों। थैंक यू सो मच। खूब बड़े आप, बहुत कामयाब, आपकी उम्र भी इतनी लंबी हो, कामयाबी आपके कदम चूमने के लिए हमेशा झुके, ये हमारी सबकी दुआ। मैं समझता हूँ कि आज अगर मोदी जी आते और अर्जुन भाई को शुभकामना देते तो कहते मित्र आज मैं नहीं आ सका, अगले वर्ष आऊँगा और आपको मेरी तरफ से एक पार्टी दूँगा।
और उस पार्टी का नाम होगा भारतीय जनता पार्टी। अमित शाह आते कहते भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है मित्रों कि अर्जुन भाई को तो कोई धारा नहीं लगेगी, केवल एक ही धारा लगेगी, धारा धारा शुद्ध धारा। अर्जुन भाई सबका फैन, तमाम कलाकारों की तरफ से, जैसे मैं नवाजुद्दीन का फैन हूँ, माँ का, बाप का, भाई का, सब का दुआ मिलेगा। अरे 15,000 साल हंसते हंसते निकाल पाएगा, शानदार जबरदस्त इंतजार। अभी कभी तो लगता है कि यही भगवान। क्या बात है, क्या बात, क्या बात, क्या बात। सुनील जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं और आज उन्होंने समा बांध दिया, मतलब ऐसा मज़ा आया उनकी बातों में और उन्होंने सबको ऐसे बांधे रखा और इतना हंसाया तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा कि आपके बर्थडे के बहाने हमारे सारे दोस्तों से मुलाकात थी। रविंद्र साहब जिनका मैं बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत अच्छा गाना गाते हैं और उनके गाने सारे शराब पर होते हैं, और शराब का जब मामला आता है तो भैया सुनील पाल और रतन नोरा जो है सबको याद आता ही है। राज साहब से मेरी मुलाकात हुई, काफ़ी दिनों के बाद मिले हम लोग, बहुत दिनों के बाद मिलते तो रहते हैं लेकिन काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हुई। और जैसे कि अरविंद साहब ने कहा कि खुशी की बात है कि ड्रीम गर्ल, और हाईलाइट ये देखिए इसी हफ्ते रमजी के प्रोडक्शन की फिल्म रिलीज हुई है। रमजी और हेमा जी आपस में बात कर रहे थे, हेमा जी से रमजी ने कहा हेमा तब आज भी मेरी ड्रीम गर्ल हो, हेमा तुम आज भी ड्रीम गर्ल। हेमा जी ने कहा हाँ, तभी तो हम पल पल दिल के पास हैं। क्या बात है, क्या बात है। ड्रीम गर्ल और पल पल दिल के पास, दोनों को बहुत सारी शुभकामनाएं। ड्रीम गर्ल 200 करोड़ कमाई ले और पल पल दिल के पास पीपी डीपी। लेकिन धर्म के समय पियो पियो दारू पियो ये भी हो सकता था। लेकिन बहुत बार हुआ करण को भी, अर्जुन को भी, करण को भी और अर्जुन को भी। बहुत बड़ी बात, ये हमारे दोस्त शैलन जी, अपने दोस्त बस इतना बोल, इतना बोलूँगा, आज इसका बर्थडे है और बहुत सारी बातें सबने, अब यहाँ भी जितने सारे बैठे हैं बहुत क्लोज हैं मेरे, सब बहुत पुराने फ्रेंड हैं, बस आज यही बोलूँगा आज अर्जुन का बर्थडे है। बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, खूब तरक्की करो, जियो बिल्कुल छा जाओ। क्या बात, मैं अपने दिल से तहे दिल से तुमको शुभकामनाएं देता हूँ। राज, सुनील, अरविंद जी, मतलब सभी इतने क्लोज फ्रेंड हैं जो कर रहे हैं, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, खूब तरक्की करें, लेकिन आज का दिन अर्जुन के लिए है। जय हो। थैंक यू सो मच। सलन भैया मेरे बड़े भैया के समान हैं और बहुत ही प्यार करते हैं मुझे, और इनकी अभी हालिया केक वॉक आप देख सकते हैं जो कि बड़ी शॉर्ट फिल्म है जो कि धमाल मचाए हुए है इंडिया के बाहर, और ये बहुत ही अच्छा गाते भी हैं और म्यूज़िक डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, मतलब मल्टी टैलेंटेड हैं, और आज समय निकाल के आप आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। निकाल के क्या आना ही था, आना ही था, ये समय क्या निकालना है यार। और अरविंद जी हमारे, क्या बात है, उनका तो मतलब जितने हैंडसम आप लग रहे हैं उतने ही खूबसूरत इनका दिल भी है, और हमेशा ये खुश रहते हैं, जिंदा दिल रहते हैं, और हम लोगों को और प्रेरणा मिलती है कि हम ऐसे ही हंसते रहें, इनकी तरह मुस्कुराते रहें। तो कुछ सुना दीजिए। हंसने की प्रेरणा तो भले मुझसे मिलती होगी पर हंसाने का जो पूरा मसाला राज जी से मिलता है। जितने भी आज तक हमने, जितने भी लापसू चैलेंज से अब तक हमने जो भी देखा है सामने, उसके पीछे पूरा राज साहब का एक हाथ है हंसाने का। और जहाँ तक गाने की बात है, मुझे लगता है कि आज मतलब गाना होना चाहिए, मेरा गाना मुझे लगता है इस मौके पे गा देना चाहिए। शराब पीने से कुछ भी बुरा नहीं होता, शराब जो नहीं पीता खुदा नहीं होता। एक ही जगह मर के जाते हैं रिंद और जाहिद, वहाँ मुजरिम तो कोई देवता
नहीं होता, तो इसलिए कहता हूँ जब तक है जी जी भर के पी, जब तक है जी जी भर के पी, जब ना रहेगा जी तो कौन कहेगा पी। क्या बात है, क्या बात, क्या बात, क्या बात। खत्म करना चाहूंगा, पता है ये पर किशोर दौलत और जवानी एक दिन खो जाती है, सच कहता हूँ सारी दुनिया दुश्मन हो जाती है, उम्र भर दोस्त लेकिन साथ चलते हैं, आहा दिए जलते हैं फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं, दिए जलते हैं। अब राज भाई की तरफ से कुछ हो जाए, राज साहब बहुत अच्छा गाए, बहुत अच्छा लिखते बोलते हैं। लहरा के ये रूबरू आदा धड़कने जब धड़क फिर कभी मिलेगा नहीं, ऐसे लहरा के वो रूबरू आ गई, धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी, वो तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा, चोट दिल पे वो खाई मजा आ गया, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। दुआ करता हूँ कि ड्रीम गर्ल 200 करोड़ से ऊपर जाए और आप सब जाके देखिए, मजा आ जाएगा, सुपर हिट है, जा रही है सर, वो भाग रही है, जाने दे, भाग रही है, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी आज अर्जुन जी का बर्थडे है और अर्जुन जी हमारे बहुत ही करीबी, बहुत ही खास दोस्त हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं, और आज इनका जन्मदिन है तो कितनी दुआएं दें उनको, हर शब्द इनकी दोस्ती को, इनकी इंसानियत को, और जिस तरीके की ये इंसान है मुझे लगता है उनको डिफाइन करने के लिए हर शब्द कहीं ना कहीं बहुत छोटा पड़ जाता है, और ईश्वर से यही हम दुआ करेंगे कि अर्जुन जी बहुत तरक्की करें अपने ज़िंदगी में, बहुत नाम शोहरत कमाए, बहुत आगे बढ़े, और जैसे कि आप सब लोगों को शायद पता हो कि ये एक्टर है, मॉडल है, और इसके साथ साथ ये काउंसलर भी है, और ये ऐसा काउंसलिंग करते हैं कि ये लोगों को नई ज़िंदगी देते हैं, बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जिनको अर्जुन जी ने ज़िंदगी में एक नई दिशा दिखाई है, उनको मरने से बचाया है, तो जो इंसान इतने अच्छे अच्छे कर्म करता हो तो उनके साथ तो भगवान का आशीर्वाद हमेशा ही रहना है, और बस हमेशा यूं ही वो मेहनत करते रहे, अच्छे काम करते रहे, इतने उनके फैन फॉलोइंग है, सबको एंटरटेन करते रहे, यही हमारी दुआ है उनके लिए। क्या गिफ्ट था आपके तरफ से? गिफ्ट तो बस एक छोटा सा सरप्राइज हमने प्लान किया था बहुत मेहनत से, और पूरी कोशिश की थी कि अर्जुन जी को उसका कानो कान खबर ना हो, और उस सरप्राइज में और भी दोस्त थे हमारे, उन्होंने भी हमारा साथ दिया, और बस उसी तरीके से कुछ घर का खाना बनाया गया, क्योंकि यहाँ पे हम सब लोग अपने फैमिली से दूर रहते हैं तो बहुत कम मौका मिलता है कि घर का खाना हमें मिले, तो कोशिश की गई कि इनका फेवरेट डिशेस बनाया जाए, एक प्यारा सा केक लाया जाए और थोड़ा सा माहौल को और खुशनुमा बनाया जाए, और बाकी और भी दोस्त थे, बस इसी तरीके से उनको एक सरप्राइज हमने दिया एज अ गिफ्ट, आई रियली होप उनको अच्छा लगा हो। आप क्या कहेंगे आपको? मैं जो भी कहूँ कम है इनके लिए, ये जितनी खूबसूरत हैं उतना ही खूबसूरत इनका दिल है, उतना ही खूबसूरत इनका नेचर है, बहुत ही टैलेंटेड हैं, मतलब टैलेंट का पिटारा आप कह सकते हैं, खूबसूरती के साथ साथ ये बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस भी हैं, बहुत ही अच्छा डांस भी कर लेती हैं, बहुत ही अच्छा गा भी लेती हैं, मतलब और बहुत ही अच्छी दोस्त है मेरी, love you my Sunil Pal, only all laughter channel winner, good night, love you or always love you, god bless you, love you Sunil bhai, tumhara lakh lakh shukriya, aaj itne bade director dream girl ke bhi aaye hain aur aap khud bahut bade actor ho yaar, love you, god bless you, wish you happy birthday darling,
यस आ गया क्या? अच्छा है, बुला रहे अच्छा। तो नगमा जी की आप अभी देख सकते हैं, एक फिल्म आने वाली है जिसका नाम है अय्याश दिल। इसमें अलग ही गेटअप में है, मतलब जितनी भी तारीफ करें इनकी कम है, और मैं उनको तहे दिल से दुआ देना चाहता हूँ कि ये हमेशा कामयाब रहें, खुश रहें और यूं ही मेरे बर्थडे में आती रहें। और वक्त निकाल के आप आए और मुझे बहुत अच्छा लगा। Thank you so much. Thank you. Oh.